नमस्कार दोस्तों, बोर्ड स्काई में आपका स्वागत है। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। इस्लामिक कैलेंडर की माने तो रमजान 29 या 30 दिन तक चलते हैं और ये इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना होता है। इस दौरान लोग सुबह जल्दी उठकर सहरी करते हैं और सूरज डूबने के बाद खजूर खाकर और पानी पीकर अपना रोजा तोड़ते हैं। इसके बीच में वो कुछ भी खाते पीते नहीं है। रोजा तोड़ने के बाद इफ्तार होता है। इस बार रमजान का रोजा करीब 13 घंटे से लेकर 14 घंटे तक रखना पड़ेगा। इस साल भारत में रमजान बुधवार 22 मार्च 2023 को मक्का के ऊपर चांद दिखने के बाद शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन अगर 22 मार्च को चांद नहीं दिखा तो रमजान 23 मार्च से शुरू होंगे। साथ ही रमजान शुक्रवार अप्रैल 21 2023 को खत्म होगा और ईद उल फित्र शनिवार 22 अप्रैल 2023 को मनाई जाएगी। हालांकि हर देश के लिए रमजान शुरू होने के लिए तरीके अलग अलग हो सकते हैं। सऊदी अरब में रमजान 23 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद 21 अप्रैल को ईद उल फित्र होगी। दुबई और अबू धाबी में रमजान 23 मार्च से शुरू हो सकते हैं। पाकिस्तान और इंडोनेशिया में रमजान 22 मार्च 2023 से शुरू हो सकता है और ईद उल फित्र 21 अप्रैल 2023 को होगी। वहीं कुवैत, लबनान, मालदीव, मोरक्को, कतर और तुर्की में रमजान 23 मार्च 2023 को शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद 21 अप्रैल 2023 को ईद उल फित्र होगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका में रमजान 22 मार्च से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।